पहुंच चुके हैं सांता क्रूज और ये आ गए अपनी चर्च गेट की ट्रेन। ब्लॉगर आ चुकी है फैशन और यहाँ पे मोस्टली ओनली फॉर मेंस है, तो मेंस लोगों के लिए वहाँ पर आओ। शूज भी ओनली फॉर मेंस, थोड़ा बहुत लेडीज है तो हक बनता है। वर्सिटी जैकेट कितने की है? इजी अंकल। शर्ट्स वगैरह भी काफी सही है। कौन से? कितने का है ये? प्राइस बताओ ना, मत बताओ। 100 के चश्मे। यहाँ का पुलिस स्टेशन बड़ा ही प्यारा बना है। ये मार्केट में बार्गेनिंग स्किल्स बहुत जरूरी है। 550 की चीज़ें 100 में भी दे रहे हैं। कुछ कुछ चीज़ें पसंद आ रही है दे रहे हैं, जब हम निकल जा रहे तो 100 में दे रहे हैं। नहीं तो बहुत लग रही है, तो नींबू पानी पड़ रहा है। बैठने की जगह है ये? अरे अंकल हमें देखिए सीट ला रहे हैं। वाह अंकल, इस पे मैं कैसे बैठूं? सीट पे बैठने का चैलेंज करके दिखाओ। तो ये है सात हाथ नाका, जहाँ पे सात हाथ चलते हैं और सातों रास्ते हैं। क्योंकि फैशन स्ट्रीट पे हर दुकान पे एक ही जैसा कपड़ा मिल रहा था, तो हमने उधर से यहाँ आगे की तरफ आना प्रेफर किया। तो हम जा रहे हैं आगे चलकर, और यहाँ पे जो पत्थर वो भी शायद बहुत बहुत सालों पुराने हैं। बड़े प्यारे प्यारे नज़ारे यार। इधर टाउन में आना एक अलग ही फील है यार। ये मेरे सामने एक बिल्डिंग है, वो ऐसा लग रहा है कि ये कोर्ट है, पर मेरे को ऐसा कुछ ये नहीं है कंफर्मेशन, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहती ये क्या है। वो बिल्डिंग्स के आर्किटेक्चर पूरे लग रहे ना हम बाहर आए। तब यहाँ घूमना तो फौरन घूमने जैसा ही है। और यह बीके नहीं है, ये काफ़ी सालों पुरानी आर्किटेक्चर है। अभी सब ये नहीं बनाया है, ये गेट भी उतना पुराना रहेगा। ये वाली बिल्डिंग का पता लगाते हैं, ये कौन सी बिल्डिंग है। कैनन स्ट्रीट पर है ये, शायद LIC है शायद से। ओ ये LIC की बिल्डिंग है। मेरी मामी यहीं पे काम करती है। और ये रही सबसे बेहतरीन चीज़,
बुक्स 50-50 रुपीस में मिलती है यहाँ पे बुक्स। ये क्या नई चीज है, दान पेटी नहीं है, वॉशरूम लग रहा है क्या ये? पानी का कुछ है पर जिसके नल बंद कर दिए। वो BBBBSC बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मैं सर्कल के आगे इधर जारा से मैं कपड़े लेती तो नहीं, बड़ा ही सुंदर लग रहा है जारा। ये कहाँ गए लोग? ये यहाँ पे अलग अलग प्राइस में मिल रहा है जारा के जस्ट सामने। मॉनसून आने वाले तो रेट थोड़े हाई हो गए हैं ना अंकल? पहुंच चुके हैं बिना कुछ काम किए जूस की दुकान पे, और ये अंकल के जूस का नाम है फाउंटेन जूस सेंटर। और ये रहे रेट्स, काफी रीजनेबल है, 30-30। इसको देखते ही लग रहा है मिक्स है। ये वाटरमेलन पर ये एप्पल कहाँ से लग रहा है अंकल? जस्टिफिकेशन दो। ये फाउंटेन फोर्ट में है ये, अगर आप इधर आ रहे हो जारा के पास तो इधर जरूर आना, फाउंटेन जूस सेंटर। अभी हम ट्राई कर रहे हैं चीकू, मेरा हमारा चीकू क्रीम मिल्क। क्रीम डाली, कलर चीकू डाला, कलर मिल्क डाला, अब बहुत प्यारा टेस्ट है। मैंने आधा खत्म कर दिया, लोगों के लिए नहीं छोड़ा। और ये चर्चगेट का सबवे मॉल है, इन लोगों ने सबवे पे कब्जा कर लिया है और ऐसे मस्त में मार्केट बेच के। मेरे को प्राइस पूछने का कोई 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 मन नहीं हो रहा है। पहुंच गए हैं चरनी रोड, जो ही बहुत ही ज्यादा एकदम तड़कता भड़कता है, और जा रहे हैं रिलायंस हॉस्पिटल। तो आज हम लोग थोड़ा ऐसे है कि हम सारे काम एक साथ कर लेते हैं और बाकी दिन घर पे पड़े रहते हैं। तो अभी बहुत सारे काम थे, पहले कॉन्वोकेशन के लिए गए, फिर शॉपिंग के लिए गए फैशन स्ट्रीट, अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं रिपोर्ट के लिए, उसके बाद एक और काम है। वो तो सारे काम टाउन साइड में जितने भी है सब एक साथ कर लो, एक ही बार में खाता हूँ। तो बालों की समस्या हो तो यहाँ पे बाली बाल मिल रहे हैं, शायद कोई वेक की दुकान है।
पहुंच चुके हैं प्यारे हॉस्पिटल। तो फाइनली बहुत ही मुश्किलों के बाद हम पहुंच चुके हैं विनय। मैं बहुत दूर से इधर खाने आई हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत बढ़िया मिसल पाव मिलता है और ये बचपन से है। बहुत दूर से बहुत चलते हैं खाने भी नहीं खाई अभी पूरन बोलिए घी है प्योर घी मुझे 15 रुपये एक्स्ट्रा लिए पर बहुत माइंड ब्लोइंग है मज़ा आ गया। वो समझ में नहीं आ रहा मैं ये खाऊं कि वो खाऊं। तुझे क्या अच्छा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा वैसे एक बात पूछूं, तू डाइट पे थी ना? हाँ? कल मन्नो बुला रही थी मटन खाने के लिए, तूने क्या बोला था? मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ, मैं तो वैसे भी नहीं खाती अभी। अरे खा ले कोई बात नहीं, थोड़ा सा खा ले, किसी से नहीं कहूंगी मैं। बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा। अरे कुछ एक दिन से कुछ नहीं होता, खा ले। अरे बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा। अच्छा इससे मोटी हो जाएगी इसलिए मिसल पाव खा रही है, इससे नहीं होगी। पहुंच गई हूँ घर पर अपनी टिगरी के साथ। बहुत थक गई हूँ यार, ट्रेन में तो सो ही गई थी और अभी बच गए कुछ 11। तो आज का ब्लॉग एंड करते हैं इसी के साथ। बहुत ज़्यादा ही मैं थक गई यार, एक ही दिन में सब कर लेती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग और थोड़ा सैडली थैंक बोल रही हूँ क्योंकि थक गई हूँ, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं लाइफ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, वीडियो देखते रहे, प्यार देते रहे, प्लीज़। थैंक यू।